नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मंचहा न्यूज। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। शानदार शुक्रवार है और इस शुक्रवार पर बॉक्स ऑफिस यानी कि वीना सिनेमा हॉल में मेंटल आशिक यानी अपनी आशिकी से लोगों के दिलों पर राज करने के लिए दो दो खूबसूरत जोड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने इस पिक्चर में शानदार अभिनय किया है। हमारे साथ अभिनेता सावन कुमार जी और साथ ही अभिनेत्री कश्मीरी शाह, अश्विनी शाह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। इस फिल्म का एक डायलॉग बड़ा बढ़िया है जो हमें भी पसंद आ रहा है, तुम सिर्फ मेरी हो, इस इश्क समझो या कब्जा। आप देखते हैं भैया किस पे डायलॉग और किसको अपना बना रहे हैं। चलिए स्वागत करते हैं, बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। आपका भी स्वागत है, कैसे हो? थैंक यू, आई एम गुड जी। सर, सबसे पहले बॉक्स ऑफिस और पिक्चर आ गई और भीड़ देख रहे, क्राउड देख रहे जबरदस्त, पटना में आपका शानदार स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, आते ही फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है? हम सबसे पहले तो अपना ऑडियंस के बहुत बहुत लाख गुजार हैं कि इतना सपोर्ट और प्यार मिला था। हम सोचे से भी ज़्यादा इतना हाउसफुल फर्स्ट डे मिलल, यानी कि नेपाल में हमने के दूसरा हफ्ता चला था, यहाँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो चला था, इतना प्यार दुलार में था। बहुत सबके हम धन्यवाद देवे के चाहते, यही सही प्यार दुलार देते रहें और आगे बढ़े के मौका भी दी। जी, कितना अच्छा लग रहा है, बिहार में बड़े बड़े सुपरस्टारों का क्रेज रहता है, वहाँ आप आते हैं, एंट्री मारते हो, पहले दिन ही इतनी शानदार ओपनिंग, और कह सकते हैं हाउसफुल से थोड़ा कम है लेकिन काफ़ी अच्छी ओपनिंग मिली है। हम सब के कहें कि कुछ भोजपुरी ऑडियंस के अच्छा देखे के मिलल या कुछ नया पसंद कैले हुई कि इतना प्यार दुलार देता। जैसे में बहुत सारा भोजपुरी के बदनाम करो तो लगे था शायद हमने के टेलर के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से हुई कि भोजपुरी अच्छा खासा बनल बा, एमें कुछ मसाला सब आ, जैसे में कॉमेडी एक्शन रोमांस फुल्ली फैमिली मूवी बा, तो उस कारण से भी इतना ऑडियंस के प्यार मिल रहा बा। बहुत जी जी, तीन तीन हीरोइनों के बीच में आप भी नज़र आ रही हैं, बहुत ज़बरदस्त प्यार दिख रहा है आपके, कितने इन्होंने कितना डोरा डाला था आपके ऊपर मूवी में? मूवी में वही है जो मूवी का जो टाइटल है ना, मेंटल आशिक, जो उन्होंने वही दिखाई है, मेंटल बन के आशिक दिखाई, आशिक ही दिखाई है। जी जी, दर्शकों को क्यों आना चाहिए, आपकी खूबसूरती तो लोग देखने आएंगे ही, लेकिन और इसके अंदर क्या क्या चीज़ है जो आपने किया है, इनके साथ किया है और फिल्म बड़ी खूबसूरती से उन चीज़ों को दिखाई गई है? मूवी क्यों देखना चाहिए, मुझे लगता है कि जो भोजपुरी में जो मूवी बनती है ना, मतलब जो लोग का कंसेप्ट है, मतलब वो भोजपुरी ऐसा होती है वैसा होती है, लेकिन भोजपुरी में भी हम कुछ नया ले सकते हैं, लाइक साउथ मूवी टाइप की। तो इस मूवी में एक्शन है, लव स्टोरी है, कॉमेडी है, सब ऑल इन वन है इसमें। तो मुझे लगता है कि हम सब टीम ने इतना मुश्किल से बनाए हैं, इतना हार्ड वर्क किए, तो ऑडियंस को एक बार देखना चाहिए, मतलब भोजपुरी में थोड़ा नया है मूवी इसीलिए। सर, एक्शन हमें जो पोस्टर में देखने को मिल रहा है वो काफ़ी एकदम टाइगर श्रॉफ वाला लुक आप दे रहे हैं भोजपुरी में, एकदम कुछ नया दिख रहा है, कितना मज़ा आया था जब वो आप एक्शन कर रहे थे, क्या सारी एक्शन आप ही की है या फिर वो किसी डबिंग आर्टिस्ट के द्वारा की गई है? नहीं सर, सब जितना भी एक्शन है सब रियल एक्शन है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मार्शल आर्ट ट्रेनर हूँ जी, जो मार्शल आर्ट सिखाते हैं हूँ उसका ट्रेनर हूँ, इसमें जितना भी एक्शन है सब रियल एक्शन है सर। मतलब पहली बार भोजपुरी में एक दमदार ऐसा कलाकार मिला है जो अपना एक्शन खुद से कर रहा है फिल्मों में? हाँ, मैं अपना एक्शन खुद करता हूँ, क्योंकि भोजपुरी ऑडियंस का कुछ चाहिए क्रेज, जो जैसे में दिनेश भैया या पवन जी हो गए या खेसारी जो ऊपर ले गए थे ना, तो कुछ बदनाम कर रहे थे कुछ लोगों ने, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अपना कुछ दिखा के, अपना जो साउथ में भोजपुरी ऑडियंस है जो नियर अबाउट 16 करोड़ जितना या 12-13 देश में भोजपुरी हमारा चलता है, तो हम चाहते हैं कि सब देश में अपना फिर से भोजपुरी अपना पहचान बनाए, हाउसफुल सब फिल्म में लगे भोजपुरी का, इसीलिए कुछ मैं नया चेंजिंग। ये जो आपने डायलॉग मारा है, तुम सिर्फ मेरी हो, किसके लिए मारा था और कहाँ पे मारा था, क्या जगह था, मतलब वो क्या सीन चल रहे थे कि आपको ऐसा डायलॉग मारने की जरूरत पड़ी? एक्चुअली क्या चीज़ है ना सर, कि फिल्म में हमने के एक्ट्रेस के मंगेतर शादी फिक्स हो गए रहेला आ न पटेला, तो हम पटावे के लिए जिद करें कि तू पट तो पट, न पटव तो हम जैसे भी पटा के ले जाए, डायलॉग हो जाए इनके ऊपर, तुम सिर्फ मेरी हो, इसे एक समझो या कब्जा। और आपका क्या रिप्लाई रहेगा? मेरा चलो ठीक है, देख लेंगे बाद में। सर, आशिकी कुछ दिन पहले आई थी खेसारी जी की, बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़ के गई थी, आपने मेंटल आशिक लेकर आए हो, कितना उम्मीद है कि हाँ उनसे भी वो चार गुना ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर धमाल करने जा रही है? हम एक्सपेक्ट करता नहीं, उम्मीद बा जौन है हमने के आज प्यार देखे के मिलल, ऐसे लागत है कि कुछ नया इतिहास बनी, कि हमने के जौन फर्स्ट हमने के डेब्यू मूवी के इतना प्यार दुलार मिल रहा बा,
तो हम ना कह सकें कि कितना कमाई, लेकिन हाँ इतना जरूर एक्सपेक्ट करता नहीं कि कुछ हटके हो। जी जी, क्या हमें जल्द ही एक और जो है इसी प्रकार की दमदार मूवी हमारे पूरे बिहार को देखने को मिलेगा, और या आपके जहाँ भी जिस जिस राज्य में फैन है उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? हम कहें कि जितना फिल्म देखिए मेंटल नासिक देख ले, एक बार जाके अपना सिनेमा घर में नज़दीकी सिनेमा घर में जाके देखी, और बहुत जल्द हम प्रयास करते हैं बहुत जल्द ऐसे भी अच्छा एक्शन पैक लेके आवे के नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक, आप जाते जाते क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों से? मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जितना आप लोग ने इतना अभी प्यार दी है वो अपकमिंग डेज में भी इतना प्यार देंगे, वो होप करती हूँ इतना ही प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेंटल आसिक के दो खूबसूरत चेहरे थे जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर झंडा गाड़ दिया है। आइए पिक्चर देखिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा पिक्चर कैसी लगी, गाने कैसे लगे और इनकी एक्टिंग कैसी लगी, क्योंकि बहुत जल्द एक कुछ और नया करने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, नमस्कार।